नमस्कार, आइए देखते हैं हम लोग अभी लॉकडाउन में दाढ़ी कैसे बनाना है। अगर सैलून में नहीं जाकर बनवाना है, आपके घर पे आके बनाना है, मतलब घर पे बुला लेना है हजाम को, वहाँ पे आके बनवाना है, तो सबसे पहले आपको सैनिटाइज करना है, जो भी हथियार है उसको सैनिटाइज करना है। जैसे मान लीजिए कि ये कैंची है, ये चाकू है, इसको इनके हाथ में पकड़िए और ये देखिए ये सैनिटाइजर है, तो इनको यहाँ पे दे देना है सैनिटाइजर। ये हथियार को भी सैनिटाइज कर लेंगे और अपने हाथ को भी सैनिटाइज कर लेंगे और ये मास्क लगा लेंगे, या फिर मास्क नहीं है तो गमछा से बांध के अपना फिर पूरे सुरक्षा के साथ करना है, ठीक है। तो अभी देखिए इसको अब हाथ में मिला लीजिए, ऐसे लगा लीजिए सब, और हथियार में लगा दीजिए थोड़ा थोड़ा। अपना सब लगा लीजिए, फिर ये ब्लेड नया ब्लेड यूज करना है, हर बार जब भी आपको दाढ़ी बाल पट कटवाना है तो नया ब्लेड यूज करना है, अपने घर पे बुला के ही बनवाइए सुरक्षा के साथ, तो ठीक है। वैसे हम लोग के घर पे ये शुरू से है कि हजाम ठाकुर हमारे घर पे ही आते हैं और हमारे घर पे ही बनाते हैं, तो देखिए अभी ये सब बनाएंगे, सैनिटाइज हो गया है सब कुछ, और अभी ये मेरा बाल काटेंगे, बाल तो ठीक है लेकिन थोड़ा सा काटेंगे, सेट करेंगे और दाढ़ी भी बनाएंगे। तो ये बाल थोड़ा सा सेट करो, बालों पर सेट करो थोड़ा, देखिए नया ब्लेड अभी लगा, हर बार नया ब्लेड यूज करना है और हथियार को सैनिटाइज करने के बाद और ये है फोम क्रीम, आप इसको यूज करके फिर अपना दाढ़ी बनाइए, देखिए लगाइए, धो लिया ना हाथ वाला, हाँ।
ये देखा आप लोगों ने कि कैसे लॉकडाउन में और कोरोना के दौरान बाल दाढ़ी बनवाना है। कभी भी बाल दाढ़ी बनवाइए तो अपने घर पे हजाम को बुला के और बनवाइए, इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपके घर वाले भी सुरक्षित रहेंगे। वैसे हमारे यहाँ पे ये शुरू से ही परंपरा रहा है कि हमारे घर पे ही हजाम ठाकुर धोबी ये लोग आते हैं, कपड़े ले जाते हैं धोने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए। ये लोग हमारे शादी ब्याह में भी होता है तो यही लोग आते हैं, धोबी हजाम ठाकुर ब्राह्मण पंडित जी जो होते हैं पूजा पाठ कराने के लिए, तो इन सब लोग का जरूरत पड़ता है। तो ये एक परंपरा बना हुआ है, यही लोग आता है, लोग यही लोग करता है सब कुछ। तो आप लोगों की सुरक्षा के लिए ये सब कुछ अपनाइए और कीजिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और अपने घर वालों को भी सुरक्षित रखिए। और सबसे ऊपर मैं ये बोलना चाहूँगा कि स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।